Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और अभी की जो current series है वो है excretory product and their elimination. ठीक है, तो जो हमारे body के अंदर excretory product form होते हैं वो किस तरीके से body से released out होते हैं उस mechanism को हम understand कर रहे हैं. ठीक है, तो ये पार्ट जो है ये फोर्थ पार्ट है. हमने थर्ड पार्ट में बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और उनका क्या क्या रोल है. तो आज की क्लास में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में बेसिकली पहला जो है वो है आपका क्या, पेयर ऑफ किडनी. तो किडनी के स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे कि यहाँ पर किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है. ठीक है, तो देखो हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था कि जो किडनी है वो बेसिकली आपके रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. एक पॉइंट और मिसिंग था, उस चीज़ को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं कि बेसिकली किडनी जो है इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. अब सवाल आता है कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन ही हम इसको क्यों बोलते हैं. ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, डायफ्राग्राम है. ये क्या है आपका, डायफ्राग्राम है. ये क्या है आपका, डायफ्राग्राम. ठीक, अब देखो इस डायफ्राग्राम के ऊपर वाला जो कैविटी है ना, इसी को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी. अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं तो ये बेसिकली क्या है आपका, थोरैसिक कैविटी. ठीक है, अब देखो थोरैसिक कैविटी जो है उस रीजन को हम बोल रहे हैं जो डायफ्राग्राम के ऊपर वाला रीजन है. तो ये क्या है आपका, थोरैसिक कैविटी है. ये जो रीजन है ना डायफ्राग्राम के जो नीचे वाला पोर्शन है, इसी को हम बोलते हैं क्या आपका, एब्डोमिनल कैविटी. ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो ये कुछ इस तरीके से होता है. आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, यहीं पर आपकी क्या है, किडनी प्रेजेंट होती है. यहीं पर क्या है आपकी, किडनी प्रेजेंट होती है. तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली ये क्या है आपका, किडनी अटैच है. ये क्या है आपकी, किडनी है. और जो दूसरी किडनी है वो ये अटैच्ड है. ठीक है, ये आपकी दूसरी किडनी अटैच है. ठीक है, अब देखो इस पूरे रीजन में बेसिकली विसरल पेरिटोनियम की एक लेयर होती है जो पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनको कवर करके रखती है. सिर्फ और सिर्फ किडनी को ही ये कवर नहीं करती है. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रेट्रोपेरिटोनियल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेट्रोपेरिटोनियल मतलब ये बेसिकली इस विसरल पेरिटोनियम जो लेयर है ना, ये किडनी जो है ये इसके बाहर प्रेजेंट है. ये क्या है, ये बेसिकली विसरल पेरिटोनियम. ठीक है, अब देखो जितने भी इसके अलावा जितने भी आपके एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन हैं, सपोज ये डिफरेंट ऑर्गन है, ये एक डिफरेंट ऑर्गन है, ये सभी क्या है, डिफरेंट ऑर्गन है. तो इस सभी ऑर्गन को ये विसरल पेरिटोनियम क्या कर रहे हैं, कवर करके रख रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ किडनी जो है इस पेरिटोनियम के बाहर प्रेजेंट है, इसीलिए हम इस किडनी को क्या बोल रहे हैं, रेट्रोपेरिटोनियम बोल रहे हैं.
ठीक है। तो ये जो है आपका थोरेसिक कैविटी, ये आपका थोरेसिक कैविटी और ये आपका एब्डोमिनल कैविटी। हमेशा याद रखना कि किडनी जो है वो एक तरह का रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है और ये कहाँ अटैच होती है, तो ये बेसिकली डॉर्सल साइड अटैच्ड होती है, डॉर्सल वॉल में ये क्या है आपकी अटैच है किडनी। ठीक है, तो ये आपकी विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहां से हटा करके यहां लिख देते हैं, ये क्या है आपकी विसरल पेरिटोनियम, शॉर्ट फॉर्म में ही आप अभी अंडरस्टैंड करो क्योंकि इस रीजन में हम किडनी के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करते हैं, अगर हम यहां पर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में, तो देखो तो किडनी जो है, किडनी के अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो किडनी का स्ट्रक्चर्स बेसिकली बीन लाइक स्ट्रक्चर है, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, आपकी किडनी है, ये आपकी क्या है बच्चे, किडनी है और ये आपका यूरेटर है। ठीक है, ये क्या है आपका यूरेटर है। तो ये तो आपकी क्या हो गई, आपकी किडनी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और डिटेल मैनर में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये आपका पीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये आपका क्या है, यूरेटर है। अब देखो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, हम इसको यहां पर ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं रीनल फेशिया। क्या बोलते हैं, रीनल फेशिया। इस रीनल फेशिया जो है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी, किडनी की, सबसे आउटर मोस्ट है आपकी किडनी की, एक लेयर है जो पूरे किडनी के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इस रीनल फेशिया के अंदर साइड अगर आप देखोगे तो यहां पर एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। ये क्या है बेसिकली एडिपोज टिश्यू, मींस ये क्या है आपके फैट है, ये क्या है आपका फैट, मींस एडिपोज टिश्यू क्या काम करेगा, फैट है तो प्रोटेक्शन का काम करेगा। ठीक, ये क्या है आपका रीनल फेसिया, रीनल फेसिया के बाद क्या आता है, एडिपोज टिश्यू या आप बोल रहे हो फैट, ये पूरा कनेक्ट होता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये हो गया रीनल फेसिया, ये हो गया फैट। अब यहां पर क्या है कि इस ये जो लेयर है ना, इसी को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। ठीक है, रीनल कैप्सूल, और रीनल कैप्सूल जो है इसके अंदर बेसिकली ये कैप्सूल किस इसका है, फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है, फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है रीनल कैप्सूल। ठीक है, अब इसके अंदर आप आओगे ना तो कुछ जो है वो डॉटेड रीजन है, कुछ जो है वो डॉटेड रीजन है, कुछ क्या है डॉटेड रीजन है। तो जो ये डॉटेड रीजन है ना, इसी को आप बोलते हो रीनल कोर्टेक्स, इसी को आप क्या बोलते हो रीनल कोर्टेक्स। तो ये डॉटेड रीजन वाला पोर्शन क्या है, रीनल कोर्टेक्स, रीनल कोर्टेक्स कैसा है, डॉटेड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अब देखो इस रीनल कोर्टेक्स के बाद क्या आता है आपका, आता है मेडलरी पिरामिड्स, क्या आता है मेडलरी पिरामिड्स, ये क्या प्रेजेंट है मेडलरी पिरामिड्स।
ये क्या है बच्चे? मेडलरी पिरामिड्स. ये क्या है? मेडलरी पिरामिड्स. ठीक है, ये क्या है? मेडलरी पिरामिड्स. मेडलरी पिरामिड्स. अब इस मेडलरी पिरामिड्स में ना स्ट्राइक टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. ये इस तरीके से क्या प्रेजेंट है? स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. ये क्या है? मेडलरी पिरामिड्स. और मेडलरी पिरामिड्स का जो नंबर है ना, मेडलरी पिरामिड्स का जो नंबर है वो बेसिकली 7 to 12 इन नंबर्स हैं. ठीक है, 7 to 12 नंबर्स में ये पिरामिड, मेडलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल किडनी के अंदर. अब देखो, ये जो गैप है ना, इन्हीं गैप को आप बोलते हो आप रीनल या कॉलम ऑफ बर्टिनी. इनको क्या बोलते हो? कॉलम ऑफ बर्टिनी. ठीक है, अब देखो, ये जो मिडलरी पिरामिड्स है ना, ये जहां पर अटैच्ड हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हो? कैलिक्स. अब ये कैलिक्स भी दो तरीके से होती हैं, दो टाइप्स की कैलिक्स होती हैं. एक होती है मेजर कैलिक्स और दूसरी होती है माइनर कैलिक्स. ठीक है, तो ये चीज अंडरस्टैंड कर पा रहे हो बच्चे आप लोग कि जहां पर ये मेडलरी पिरामिड्स अटैच्ड होती है ना, उसी पार्ट को हम बोलते हैं कैलिक्स. और कैलिक्स भी जो है वो मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स में डिवाइडेड है. ठीक है, अब इस वाले रीजन को आप बोलते हो, यहीं पर एक कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को आप बोलते हो हाइलम. इसी को आप क्या बोलते हो हाइलम. ये क्या है बच्चे आपका? यूरेटर. ये क्या है? यूरेटर. बचा क्या आपका? एक आपका पार्ट बचा है रीनल पैल्विस. तो ये रीजन को आप बोल देते हो रीनल पैल्विस. ठीक है, तो बेसिकली ये आपका यूरेटर है और यूरेटर जाके कहाँ पे ओपन होगा? आपका ओपन होगा यूरिनरी ब्लैडर में. कहाँ पे जाके कनेक्ट होगा? आपके यूरिनरी ब्लैडर में. तो अगर आप देखो तो ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? फैट प्रेजेंट है. यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? फैट प्रेजेंट है. याद रखना, ये जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया है, ये बेसिकली क्या है? एडिपोज टिश्यू हैं, जो एक तरह के क्या हैं? फैट हैं, जिनका काम क्या है? किडनी को प्रोटेक्शन देना. ठीक है, इस एडिपोज टिश्यू के बाहर वाले लेयर को आप क्या बोलते हो? रीनल फेसिया बोलते हो. रीनल फेसिया के बाद क्या आता है? एडिपोज टिश्यू आता है. फिर क्या आता है? रीनल कैप्सूल आता है, जो फाइब्रस और कनेक्टिव एक तरह की टिश्यू है. इसके अंदर जो डॉटेड वाला रीजन है, इसको हमने बोला क्या बच्चे? रीनल कॉर्टेक्स. और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आप जाते हो तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? मेडलरी पिरामिड, जिनका नंबर क्या होता है? 7 to 12. अब ये मेडलरी पिरामिड्स जहां पर अटैच होते हैं उसी को आप बोलते हो कैलिक्स. कैलिक्स भी दो तरीके के, एक मेजर है और एक माइनर. ठीक है, इस वाले स्पेस को हम बोलते हैं रीनल पैल्विस. और यहां कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं को आप बोल देते हो हाइलम. और ये क्या है आपका? यूरेटर. तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चे, आप इसको जरूर ड्रॉ करो. और एटलीस्ट पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मेडलरी पिरामिड कितने होते हैं. ठीक है, रीनल फेसिया क्या है, रीनल कैप्सूल क्या है, हाइलम क्या है, यूरेटर क्या है, पैल्विस, रीनल पैल्विस क्या है. ठीक है, तो अब देखो, ये तो एक किडनी का स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, अब देखो, राइट किडनी जो है ना वो स्लाइटली नीचे की तरफ होती है. आपके अगर पोजीशन की हम बात करते हैं तो जो किडनी है वो बेसिकली आपके प्रेजेंट होती है जो थोरेसिक्स है, थोरेसिक का जो एंड है ना बच्चे,
वर्टेब्रल कॉलम में अगर आप थोरेसिस T12 की बात करते हैं, T12 और लंबर 3 ऑफ वर्टिब्रा, इसी के बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये बेसिकली किडनी जो है आपके एब्डोमिनल वॉल के डॉर्सल साइड में अटैच्ड होती है, और ये बेसिकली जो विसरल पेरिटोनियम की लेयर है उसके बाहर प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि किडनी एक तरह का क्या है, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है। अब एक किडनी के अंदर जनरली 1 मिलियन ऑफ एक किडनी के अंदर जनरली 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं बच्चे, प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन एक तरह के क्या है किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो किडनी के जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, आपका नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर जनरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन के भी टाइप डिफरेंट हैं। अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली कितने टाइप के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जनरली 2 टाइप्स के नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं। तो चलो इसको हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं तो बेसिकली अच्छा, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन से पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडलरी नेफ्रॉन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि जो नेफ्रॉन है वो एक तरह का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, किडनी का, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बेसिकली एक है आपकी एफरेंट एट्रियोल, ये एक है आपका एफरेंट एट्रियोल, ठीक है। दूसरा है आपका इफरेंट एफ्रियोल, और ये क्या है आपका बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो ये आपकी क्या होगी, एफरेंट एट्रियोल, ये होगी आपकी इफरेंट एट्रियोल, और यहीं पर ये क्या है आपकी ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इसी में बेसिकली एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये तो हो गया आपका एफरेंट एट्रियोल, और ये क्या हो गया आपका इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो बेसिकली यहां से आपका क्या आ रहा है, यहीं से आपका ब्लड इंटर कर रहा है, ये आपका जो एफरेंट एट्रियोल है, यहीं से आपका क्या हो रहा है, ब्लड इंटर कर रहा है, और यहां से फाइनली प्यूरिफाइड ब्लड आपका जो है वो एग्जिट कर रहा है किडनी से, ठीक है। तो ब्लड जो है यहां से बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों के एफरेंट एट्रियोल और इफरेंट एट्रियोल के डायमीटर की अगर आप बात करो, तो एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर क्या होता है, लार्ज है। अगर हम इफरेंट एट्रियोल के डायमीटर से कंपेयर करें, तो हमें ये अंडरस्टैंड होगा कि इफरेंट एट्रियोल का जो डायमीटर है वो छोटा है एफरेंट एट्रियोल। तो जब ज़्यादा से ब्लड आएगा, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस,
इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ज़्यादा ब्लड आया, कम ब्लड निकल रहा है, तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा और यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स या बोल सकते हो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या है बच्चे आपका, ये आपका है बोमेंस कैप्सूल। ये क्या है आपका, बोमेन कैप्सूल, और ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर्स कैसा है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब देखो बोमेन कैप्सूल जो है ना, ये तो हो गया आपका बोमेन कैप्सूल, और यहीं पर आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये क्या है आपका, पेरोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये आपका कलेक्टिंग डक। ठीक है, अब देखो ये क्या है बच्चे आपका, कलेक्टिंग डक। ठीक है, ये थोड़ा सा नैरो डाउन हो गया यहां पर, तो इसको हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट को तो आप बोल रहे हो कप लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, ये पार्ट क्या है, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो फिल्टर होगा। ठीक है, देखो ये जो पार्ट है पेरोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये जो रीजन है इसी को आप बोलते हो पेरोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और ये वाला जो रीजन है, ये आपका डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब देखो ये जो है ब्लड यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले। ये वाला पोर्शन क्या है बच्चे, असेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले। ये जो पार्ट है ये, इसी को हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और इस चीज को बोलते हैं, इस को बोलते हैं कलेक्टिंग डक। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ब्लड है ना, फिल्टर होने के बाद इधर आ रहा है, ये अगर इसके आप डायरेक्शन की बात करो तो कुछ डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका क्या, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, वोशा रेक्टा। यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वोशा रेक्टा। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, वोशा रेक्टा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो वोशा रेक्टा में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नेफ्रॉन के ब्लड के फ्लो के जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो एफरेंट एट्रियोल में ब्लड इंटर कर रहा है, एफरेंट एट्रियोल में ब्लड इंटर कर रहा है, और इफरेंट एट्रियोल का डायमीटर कम होने की वजह से यहां पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और फाइनली आपका ब्लड क्या हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। तो ब्लड की जो अगर हम ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं, तो नॉर्मली ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है, लेकिन यहां पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करती है और फाइनली मेंटेन होता है वोसा रेक्टा की हेल्प से। इस मैकेनिज्म को भी हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आप इस क्लास में ये अंडरस्टैंड करो कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है,
तो बच्चे आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, अपना अपनी बुक्स की रीडिंग करो, ठीक है। और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच, मुझे सपोर्ट करने के लिए।